नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी का 1980 का है, इसमें कह रहा है ए बी सी इज अ ट्रेंगल, डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी, इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी देन प्रूव डेट कॉस ए कॉस सी इज इक्वल टू टू टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री ए सी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले इसका एक रफली डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है रफली डायग्राम में सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ मैंने रफली डायग्राम बनाया, ये मेरा ट्रेंगल ए बी सी है, और ट्रेंगल ए बी सी में ये ए डी है जो क्वेश्चन में कह रहा है, डी जो है मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ जो है अगर सी है, एंगल सी का अपोजिट सी, एंगल ए का, ये एंगल ए का अपोजिट ये पूरा का पूरा स्मॉल ए लेंथ है, और एंगल बी का अपोजिट ये स्मॉल बी लेंथ है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि ए बी सी ट्रेंगल है, डी जो है मिडिल पॉइंट है, जब डी मिड पॉइंट हो गया तो ये ए बाई टू, ये ए बाई टू में चला जाएगा, और ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी है, तो यहाँ से ये ए डी परपेंडिकुलर टू ए सी है, तो ये 90 डिग्री हमने दिखा दिया। देन प्रूव डेट कॉस ए कॉस इज इक्वल टू टू टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री ए सी। तो ये 60 है मेरा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ये 30 हो जाएगा और यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ए है, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा ए है तो इस ए में 90 गया, इसको मैं लिखूँ कैसे, ये पूरा का पूरा ए है, तो ए में 90 गया तो कितना हो जाएगा, ए माइनस 90 है ना, ये ए माइनस 90 हो गया, पूरे में ये 90 गया तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब चलिए इसको करते हैं, तो यहाँ पर हमें कोसाइन फार्मूले से पता है बाई कोसाइन फार्मूला, कॉस ए का मान क्या होता है, दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, और कॉस सी की वैल्यू क्या होती है मेरी, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस सी की वैल्यू, दिस इज कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास कॉस सी की वैल्यू, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से एक चीज़ देखें, तो सबसे पहले कॉस सी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से कॉस सी की, तो कॉस सी मेरा क्या है, कॉस थीटा क्या होता है अपन हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर बेस मेरा क्या है ए सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है सी डी, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ से अगर मैं ए सी का वैल्यू देखूँ तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो ए सी है वो मैंने बी माना है, और जो सी डी है वो क्या हो जाएगा ए बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा, तो कॉस सी की वैल्यू आ गए टू बी बाई ए, और इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ, और इससे मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट और जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये कॉस सी वाला सेकंड वाला, यानी सेकंड और थर्ड को इक्वलाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये भी कॉस सी है, ये भी कॉस सी है, तो इनको इक्वलाइज कर दूँ, तो टू बी अपॉन ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी हो जाएगा। अब जब इतना हो गया तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो ये हो जाएगा टू ए, टू टू जब फोर ए बी स्क्वायर, और इधर से ए को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा ए क्यूब, और या फिर ऐसा करता हूँ कि इस ए को ऐसे कैंसिल आउट ही कर देता हूँ, तो जब ऐसे ए को कैंसिल आउट करूँगा तो हो जाएगा मेरे पास फोर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो जब इतना हो गया मेरे पास तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री बी स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू जो थ्री बी स्क्वायर आई है, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेता हूँ। अब जब ये इक्वेशन फोर्थ आ गया है तो मुझे क्या करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी की वैल्यू प्रूव करनी है, तो कॉस ए इंटू कॉस सी, तो कॉस ए इंटू कॉस सी, मेरी कॉस ए की वैल्यू मुझे पता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ये है, और कॉस सी की वैल्यू मेरी क्या है, जो मैंने अभी निकाली थी टू बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा टू बी अपॉन ए। अब ये देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है थ्री बी स्क्वायर, तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बी स्क्वायर हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर ये मैं पुट आउट कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर टू बी अपॉन ए है तो इससे मुझे कोई
खतरा तो है नहीं, वैसे ही बने रहने देते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा या फिर बी, ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्व करने पर, बी स्क्वायर प्लस ये चीज़ माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस थ्री बी स्क्वायर अपॉन टू बी सी इंटू टू बी अपॉन ए। तो बी स्क्वायर और माइनस थ्री बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस टू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू बी सी इंटू टू बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा बी से एक ये भी कैंसिल आउट हो गया और कुछ तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस फोर बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, ये मेरा आ गया। अब मुझको प्रूव करना था टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री ए सी। तो बी स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन थ्री, तो इसको मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो माइनस फोर अपॉन टू ए सी इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन थ्री। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको आगे सॉल्व करूँ तो ये टू कैंसिल, ये माइनस इधर जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू टाइम्स अपॉन थ्री ए सी। तो यही मुझे प्रूफ करना था और ये मेरा प्रूफ हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी आईआईटी जेई 1980 का हल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।